एक क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस जो एक जापान में एक क्रूज जो है वो समुंदर के बीच में ही जो अंडर क्वारंटाइन है, इसमें ये पोर्ट ऑफ योकोहामा में, इसमें 3,711 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिसमें से करीब 439 पैसेंजर्स की जो टेस्टिंग की गई उसमें 174 हैव टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन इसमें हमारे 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स हमारे इसमें इंडिया के भी हैं, लेकिन इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया एज़ पर द यू कैन से डिसीजन ऑफ द जापनीज गवर्नमेंट आल्सो एंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवाइस एक्सेट्रा। जो प्रेजेंट स्टेटस के बारे में मैंने बताया कि जो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से हम लोग कुछ मेडिकल सप्लाईज इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा भी चाइना को भेज रहे हैं ऐसे गुडविल मेजर, और अभी जो ये लोग यहाँ हमारे 645 लोग प्लस 7 जो आए हुए हैं इनके लिए भी डिस्चार्ज के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, दे हैव ऑल बीन इशूड 13-14 डे पे व्हेन दे विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव विच दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो 18th डे को इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। बेसिकली वुहान से हम लोग 645 पैसेंजर्स को, मतलब अपने इंडियंस को, जिसमें करीब 645 जो पैसेंजर्स को लाए उसमें 7 के करीब, 7 जो है वो मालदीव्स के, 645 प्लस 7 जो है वो मालदीव्स के थे, तो ये इनको हम लोग भारत में जो है एयर इंडिया के फ्लाइट्स की सहायता से, एयर इंडिया की सहायता से उनको भारत में लेके आए, और उसमें से 243 को हमने जो हमारा DGFMS का स्थान है मनेसर में वहाँ पर रखा, 402 को हमने छावला में कैंप जो है ITBP का वहाँ पर रखा, और अभी जो हमारे पास 11 फरवरी यानी दो दिन पहले की जो सुबह 10 बजे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये सारे के सारे 645 के 645 लोग, दे हैव ऑल बीन टेस्टेड नेगेटिव, दे आर ऑल बीइंग मॉनिटर्ड डेली, इनके साथ साथ सभी स्टेबल हैं, बीच में किसी को कोई छोटा मोटा सिम्टम हुआ भी अगर तो उसको बकायदा हम लोगों ने जैसे यहाँ अस्पताल में शिफ्ट किया, वहाँ पे मॉनिटर किया, बीच में शुरुआती दौर में कुछ लोग सफदरजंग वगैरह में भी आए थे, जैसा हमने बताया कि 21 एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रीनिंग हो रही है वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है ये चाइना से, थाईलैंड से, हांगकांग से, फिर सिंगापुर और अभी जापान और जो कोरिया है, ये 6 देशों से जो आने वाले हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं।